टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है। भाई और बहनों, इतने कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख, जो टीआरएस ने भ्रष्टाचार किया था वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए मोदी जी तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे, हम मजलिस से नहीं डरते। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहाँ पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तेलंगाना की जनता ने तय किया है कि हर सीट से मोदी जी को कमल को खिलाकर दिल्ली भेजना है, कि समग्र तेलंगाना का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूँ, क्या हमारे प्रत्याशी को आप प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? मेढक में कमल का फूल खिलाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे?